हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो जैन धर्म से संबंधित 11 घनधरों के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं कि हमने जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में पहले वाले वीडियोस में बताया है। यहाँ पर हम आपको जैन धर्म में जो घनधर थे उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, घनधर कहते किसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गणधर किसे कहते हैं। तो गणधर जैन धर्म में प्रचलित एक उपाधि है, ठीक है। गणधर वह व्यक्ति होता है जो धर्म के गण को धारण करता है, अर्थात इन्हें तीर्थंकर के शिष्य भी कहा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीर्थंकर किसे कहते हैं? मैंने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में बताया है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं और कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, और तीर्थंकरों के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी पहले वाले वीडियोज में दे दी है। वहाँ पे आप पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए, गणधर को द्वादश अंगों में पारंगत होना आवश्यक है। अब यह आपके द्वादश अंग यानी 12 अंग क्या थे जैन धर्म में? तो सुनिए, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता, उपासक, उपासक सदांग, अंतकृत दशा, अनुरूपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण और विपाक दृष्टिवाद। तो मैंने यहाँ पे आपको 12 अंग बताए हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित हुए थे, और यही 11 अनुयायी हैं ये गणधर कहलाए थे, ठीक है। और जो ये जो संघ था, महावीर स्वामी जी ने जो संघ बनाया था, इसके अध्यक्ष भी महावीर स्वामी ही थे। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, और अंतिम गणधर हैं वो महावीर स्वामी के बाद तक जीवित रहे। उनका नाम सुधर्मण था, और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष भी सुधर्मण को ही बनाया गया। और इन गणधरों के अधीन महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर 11 गणधरों के नाम, उनके गोत्र, उनके स्थान बताना चाहूंगी यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले जो गणधर थे वो थे इंद्रभूति गौतम, और ये इनका स्थान कौन सा था? इनका स्थान गोरवर ग्राम था। तो ये महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे, इनको महावीर स्वामी का मुख्य शिष्य भी कहा गया है। और जो आपके इंद्रभूति हैं, इन्होंने भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 12 वर्षों तक जैन धर्म की आचार्य परंपरा का निर्वाह किया था। तो ये थे आपके इंद्रभूति गौतम। अब जो दूसरे जो उनके गणधर थे वो थे अग्निभूमि गौतम, ये भी गोवर ग्राम के थे। फिर है वायुभूमि गौतम, ये भी गोवर ग्राम के थे। फिर है मंडिक पुत्र वशिष्ठ मौर्य, ये सन्निवेश के थे। फिर है व्यक्त भारद्वाज कोलक, ये सन्निवेश के थे। फिर आपके आते हैं सुधर्मण अग्नि वेशायन कोलक, ये सन्निवेश के थे। ये मैंने आपको बताई है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। भूमपुत्र कास्सम मौर्य, ये मिथिला के थे। अकंपित गौतम, ये भी मिथिला के थे। और अकंपित जो गौतम हैं, ये मतलब इनके मन में एक शंका थी कि नरक का अस्तित्व होता है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहती हूँ कि प्रत्येक गणधर था उसके मन में एक न एक शंका जरूर रहती थी। वो मतलब जो शंका होती थी उसको जानना चाहते थे, और उसका निदान महावीर स्वामी करते थे। तो यहाँ पर जो आपके अकंपित गौतम हैं, इनके मन में शंका थी कि जो आपका नरक है इसका अस्तित्व होता है या नहीं, और इनके प्रश्न को शांत महावीर स्वामी ने करा था। फिर अगले हैं
अचल भ्राता हिवाण जो कौशल के थे, और फिर अगले हैं मेतार्य कौंडिन्य तुंगिक ये सन्निवेश के थे, फिर अंतिम जो हैं गंधर्व वो थे प्रभास कौंडिन्य ये राजगृह के थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जितने भी गंधर्व थे ये सारे ब्राह्मण थे। अब इससे हमें ये पता चलता है कि महावीर स्वामी के समय में ब्राह्मणों में ही वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ था, भाई वो ये सब जानना चाहते थे। आगे के जो भी उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते थे उनको वो उनका सॉल्यूशन भी चाहते थे। तो सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा जागरूक थे वो महावीर स्वामी के समय में ब्राह्मण जाति के लोग बागी थे। थैंक्स फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर 11 गंधर्वों के बारे में पढ़ा है। इसी प्रकार बने रहें YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पर, Facebook पे आप हमें लाइक शेयर करें, Twitter पे आप फॉलो करें, WhatsApp पे हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़े ताकि आपको नई नई जानकारी प्राप्त हो सके।